निशा है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा, आप एंटर करते ही आपको लगेंगे जैसे आप जन्नत में आ गए यहाँ पे। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने मतलब कहते हैं ना खौफ निकालिए, आप यहाँ आएंगे आप खुद फील करेंगे आपकी सेफेस्ट जगह है। स्पेशली यहाँ पे कश्मीरी लोग बड़े प्यारे हैं, कश्मीरी खाना बड़ा प्यारा है, कश्मीरी बोली कहते हैं, व्यवहार जो होता है लोगों का, सर्विस हॉस्पिटैलिटी वो बहुत ही प्यारी है, बहुत मतलब आप खुश होके जाएंगे यहाँ से। गार्डन यही है बस, आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ गए, हेवन में आ गए। मतलब हमने सोचा भी नहीं था 15 लाख प्लाजा हम एक साथ देखेंगे, वो कभी लाइफ में दिखेगा भी नहीं, और यहाँ आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपने जन्नत में आप चल रहे हैं। कि आप बेखौफ होके कश्मीर जरूर आइए, और अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वजिया कोलकाता। हाँ बहुत अच्छा, जैसा सब लोग कहते हैं कश्मीर इज ब्यूटीफुल। नहीं बट एक बार तो आना था देखने के लिए। सब अच्छा, यहाँ पे आके लगा यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। खूबसूरत तो है ही, बट यहाँ के कश्मीरीज जो हैं बहुत मेहमान नवाज हैं, अखलाक में अच्छे हैं, बहुत वेलकमिंग है सबके लिए। बहुत कुछ सुना, देख निकलना है तो इसीलिए हम लोग जल्दी में ही आए हैं यहाँ पे देखने के लिए ट्यूलिप गार्डन। मेरा नाम ममता है और हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। एक्चुअली हमारा फर्स्ट टाइम है, हम कश्मीर आए हैं घूमने। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत एक्चुअली एक ही जगह पे इतनी सारी वैरायटीज़ मिल रही हैं फ्लावर्स की देखने के लिए, हम बहुत ही ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट फील करते हैं। एक्चुअली आज ही हमारी फ़्लाइट है और आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, तो ये हमारा अच्छा फॉर्चून है जो हमें इतने अच्छे फ्लावर्स देखने को मिले हैं। नो इट्स नथिंग लाइक दैट, यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं, स्वीट हैं, यहाँ का कल्चर बहुत ऑथेंटिक है, आपको एक बार यहाँ पे तो आना ही चाहिए ज़रूर। यहाँ का फूड, यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है।